यार मैं वैसे ही यहाँ पे बस टाइम पास कर रहा हूँ, वैसे ही बैठे हो भैया? बैठे हो? खैर है यार, वैसे ही बस यहाँ पे टाइम पास कर रहा हूँ, वैसे ही बैठे हो भैया? नहीं, मुझे कुछ परेशान लग रहे हो। नहीं यार, ऐसी तो कोई बात नहीं, वैसे ही ये कुछ दिन से आप परेशान लग रहे हो। मैंने अपने घर वाले से पूछा, उसने कहा घर में भी परेशान रहते हैं। मैं आपका दोस्त हूँ, कुछ बताऊँ क्या भाई? यार ऐसी तो कोई बात नहीं, बताओ भाई, मैं आपका दोस्त हूँ, बताओ। अरे भाई क्या हुआ, क्या हुआ बताओ यार। बात दरअसल ये है कि मैं स्कूल जाना नहीं चाहता। क्यों भाई, क्या हुआ है? आपका रिजल्ट माशाल्लाह से अच्छा है, क्यों नहीं जाना चाहते? यार मैं स्कूल जब चला जाता हूँ तो मैं चश्मा पहन कर जाता हूँ, तो मुझे लोग वहाँ पे बैटरी कहते हैं और मेरे जिस्म का मजाक उड़ाते हैं, मुझे अजीब अजीब पता नहीं आवाज़ों से नामों से पुकारते हैं क्लास में, ब्रेक के टाइम भी यानी आपको तंग कर रहे हैं? हाँ, क्लास के अंदर मतलब तंग करते हैं सब बच्चे। आप टीचर से बताओ, शायद वो ये मसला हल कर सके। मैंने टीचर से भी बात की थी, टीचर ने भी उन्हें समझा लिया था, बता दिया था, मतलब कुछ टाइम तक उन्होंने मुझे नहीं खिलाया, फिर से मतलब उन्होंने स्टार्ट कर दिया तंग करना। यार इस वजह से स्कूल जाना नहीं चाहता। यार आप मुझे बताएं कि क्या जब भी मैं अपने आप को आईने में देखता हूँ और मैं अपने अंदर फ़र्क तलाश करना चाहता हूँ कि मेरे अंदर क्या ऐसा चीज़ है, वो मुझे किस लिए चिढ़ाते हैं? यार मेरे भी दो आंखें हैं, उनके भी दो आंखें हैं, वो फिर भी मुझे तंग करते हैं, चिढ़ाते हैं। अल्लाह खैर करेगा, ये मसला भी इंशाल्लाह हल हो जाएगा। यार मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। पेरेंट्स से बात करें ताकि वो आपका मसला हल करे, आपका स्कूल भी चेंज करे या किसी और स्कूल में आपको एडमिशन करवाए। बात करता हूँ, बन जाते हैं, मैं कब तक स्कूल चेंज करता रहूँगा? मसला स्कूल का नहीं है, बच्चों का है। हर स्कूल में चला जाता हूँ, बच्चे मुझे तंग करते हैं, चढ़ाते हैं। मेरा पहला स्कूल नहीं है, तीसरा स्कूल है। मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे अजीब अजीब नामों से पुकारते हैं, बैटरी बोलते हैं कुछ वगैरह, पता नहीं बुरे नाम लेते हैं मेरे, तंग करते हैं मुझे। यार मैं तो बस अपनी ज़िंदगी से तंग आया हूँ, आगे मैं अपने स्कूल नहीं पढ़ा। अल्लाह खैर करेगा, ये भी मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। थोड़ी
हमें ऐसा नहीं करना चाहिए।